अभी हमारा प्लान है मार्केट जाने का, और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मार्केट जाएंगे एंड वहाँ पर से सभी लोगों को कुछ ना कुछ खरीदना है, और हम ऐसे चलते हैं मज़े के लिए मार्केट, थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेंगे, मज़े आ जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ एंड फिर आपको वहाँ पर जाके मिलते हैं। आज हम नए वाले शहर में करेंगे शॉपिंग, वो है सितारगंज, एंड वहाँ पर वाले शहर में देखते हैं कैसे कपड़े मिलते हैं, क्योंकि हमारे शहर तो अच्छे मिलते हैं, अभी यहाँ पर वाले शहर में देखते हैं कैसे कपड़े मिलते हैं। सो इट्स अ ग्रेट चैलेंज ऑल्सो, एंड यहाँ पर हमारा सारे लोग आ रहे हैं। सो अभी हम चलते हैं सूट वाली दुकान पर, सूट खरीदते हैं, फिर आपको वहाँ पर जाके मिलते हैं। गाइज अभी हम आए हैं फर्स्ट शॉप में एंड यहाँ पर हम ले रहे हैं इस सर के कपड़े, यार गन्नू को पसंद भी आ चुके हैं कपड़े, एंड ये हमारे फाइनल हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं ना कपड़े, गर्मी है, यस गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलो कोई भी मेरे भी लान वाले तो मोटा है। गाइस हमने मार्केट घूम लिया, हमको अपने कपड़े पसंद तो आए नहीं, इसने ले लिए हैं, अब हम चलते हैं मेले में एंड इसका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है मेले में जाने का। तो अभी हम चलते हैं मेले में, वहाँ पर जाके अभी झूला झूलेंगे, जो भी करेंगे हम बहुत मस्ती करेंगे एंड यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली है देखो। सो गाइस फाइनली हम मेले में पहुँच चुके हैं एंड हम मेले में देखते हैं क्या करते हैं अभी। गाइस अब हम बैठने वाले हैं ट्रेन में एंड यहाँ पर सभी चार जाने जा रहे हैं, चलो बैठा बैठा बैठा, ठीक है धनगन जशन और वो तन्नु से वो आगे बैठ गए और हम लोग बिल्कुल लास्ट में बैठे हैं। हेलो एक्साइटेड ड्रैगन की पारी, अब यहाँ पर चलते हैं। हेलो एंड मी सिटिंग हियर, वन एट द टॉप, फोर एट द सेंटर, स्केयर्ड पीपल। सितारगंज की सिटी इतनी सुंदर लग रही है ना, बहुत ज्यादा सुंदर है, वैसे भी लाइट्स में हर कोई अच्छी लग रही है और वही देख रही हूँ मैं तो यहाँ पर बस।
चुके हैं, जम चुके हैं। पहुंचे बाजार के आगे यहाँ गाइस। अब फिर से हम चले ड्रैगन वैली में, बिकॉज चाचा जी महफिल में आ चुके हैं एंड हमारे साथ और भी दो नए सदस्य जा रहे हैं, सो लेट्स गो। बहुत हल्का चलता भी है। आप पहुंचे बिल्कुल टॉप पे। डांस कर दो जी करने लगे। गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड बहुत मजा आया, तो अभी हम खाएंगे फिश। गाइस यहाँ पर मच्छी बन रही है एंड हमारी ये मैडम बना रही है। आप बिजी हो रही अभी तक। खाने से पहले या किसी को सर्व करने से पहले टेस्ट करा जाएगा कि कैसी बनी है, तो हम पहले टेस्ट कर लेते हैं चाची ने बनाई कैसी है। एकदम अच्छी बनी है, टेस्टी वो भी, एंड नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट। फिर से हम खा लेते हैं। सही लग रहा है? हाँ हाँ सही लग रहा है ना। गाइस फिश रेडी हो चुकी है एंड इट्स टाइम टू सर्व। द वेरी नेक्स्ट इवनिंग गाइस इट्स पिज्जा टाइम एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर चल रहा है इनका गेम। सबसे पहले हमारी टीम आ चुकी है फर्स्ट एंड इनकी टीम हार चुकी है एंड यहाँ पर हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है। अब हम फटाफट चलेंगे अपने घर इसको खा के। गाइस कल का दिन बहुत अच्छा रहा था एंड अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर, क्योंकि हम यहाँ पर रुक गए हैं, तीन दिन तो रुक ही गए हैं। सो अभी फाइनली टाइम है घर जाने का। और क्या, और कुछ भी नहीं, मैंने सोचा बाहर आके ब्लॉग की स्टार्टिंग ही कर लेते हैं। एंड बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत अच्छे लोग थे एंड मतलब बहुत अच्छा लगा मुझको। फर्स्ट दिन थोड़ा बोरिंग था, फिर वही होता है ना, थोड़ा फ्रैंक होने में या किसी से भी मतलब घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इट वॉज एवरीथिंग वॉज गुड एंड आई लव्ड हियर। तो अभी हम चलेंगे घर एंड घर जाके मैं दादाजी से एक दिन की परमिशन लेकर आई थी और मैंने यहाँ पर रुक गई हूँ तीन दिन। अब देखो घर जाके डांट भी पड़ेगी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, वो तो पड़ेगी तो देखी जाएगी। एंड मुझे अपना काम भी करना है बहुत सारा, तो वो तो हम घर जाके करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सी ऑफ करते हैं, फिर अपने घर चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं क्या माहौल है, क्या चाल है। और दूसरी चीज़, मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी और हरगुन गए मामा के वहाँ एंड मामी चले गई है अपने मायके। तो यस गाइस अभी फ़िलहाल के लिए हम घर चलते हैं एंड वहाँ पर जाकर आपको मिलते हैं। चलो बाय बाय गाइस, बाय गाइस। हम अपने एरिया में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर चाचा को अपने मिल चुके हैं दोस्त, अब वो उनसे बातें भी कर रहे हैं और हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेकर आ चुके हैं एंड हम सभी लोग यहाँ पर बैठ के फन कर रहे हैं, बिकॉज अब हम अपनी सिटी में एंटर कर चुके हैं। तो यस, और अभी हम चलेंगे घर। अभी घर तो हमारा बहुत दूर है, अभी स्टिल देर इज़ हाफ एन आवर टू लेफ्ट। तो अभी हम यहाँ पर ये पी लेते हैं और थोड़ा ठंडक हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा और यार लू कितनी गंदी चल रही है बाहर बहुत ज़्यादा। देखो देखो इनको, अपने दोस्त से मिलने की खुशी 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 खुशी, अपने दोस्त से मिलने की खुशी। पापा सत श्री अकाल, घर दी तो याद ही ताई तो घर आए आप। सो गाइज हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड बहुत अच्छा सफर रहा, चाचा ने अपने सभी दोस्तों से भी मिल लिया और बहुत सारे फन करा हमने, बहुत मज़ा आया। होप गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ढेर सारे कमेंट करिएगा एंड मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय गाइज़।